इसी जगह पर इसी विधानसभा में हमारे विरोधी दल के नेता ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, झूठ बोल के वोट ले लिए कि भाई हमको वोट दिलवाओ, इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वही मुख्यमंत्री बने ना बनाए, केवल झूठ बोलना। अरे बताओ, कोई प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम सब वोट देते हैं, सब अपने घर की रोटी खाते हैं। सोरेन के परिवार से कोई टिफिन आता है किसी के घर पे? आप इतने जने बैठे, किसी को टिफिन आता है? किसी को अपने घर की खाते की नहीं खाते? आप वोट देते हो और वोट देके सरकार बनाते हो, और सरकार बनाने के बाद कितना शर्म आती है अपने को, अपने आप पे। हमारे वोट से बना हुआ मुख्यमंत्री अपने कुकर्मों के आधार पे जेल जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नहीं है? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो? और बेशर्मी तो और ज्यादा, सरकार में रहते हुए काम करना आता नहीं। ये इतना बड़ा प्रदेश झारखंड, जिसमें विकास की अपार संभावना है, और हमारे भोले भाले और भले लोग जो विकास के लिए उम्मीद पालते हैं, लेकिन सबको निराशा आती है और दुर्भाग्य से आदमी जेल जाता है, और जेल जाने के बाद इतनी बेशर्मी से वापस आ जाते हैं, वो फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता दो रोटी अपने घर का खाती है, अब की बार कोई झांसे में आने वाली नहीं है। बोलो, आने वाली है क्या? सबका संकल्प है, झूठ के भूत के पांव जैसे नहीं होते हैं, ऐसे झूठ के पांव नहीं होते हैं। ये कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, जनता इनको जान चुकी है। इसलिए मैं आज के इस परिवर्तन यात्रा में मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आया हूँ, और आप अंदाज लगाओ इस बात का, झारखंड में किस बात की कमी है? झारखंड तो अगर ढंग से चलते तो यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से सभी राज्यों का भला।